भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव का विवादों से पुराना नाता रहा है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच की जुबानी जंग ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। इसके अलावा भोजपुरी के कई अन्य कलाकार सोशल मीडिया पर वीडियो मैसेज के जरिए खेसारी के समर्थन और उनके खिलाफ में आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। हाल ही में एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति खेसारी लाल को लेकर अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। खेसारी लाल यादव ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दिख रहा है कि एक शख्स अभद्रता दिखाते हुए अपशब्द भाषा का प्रयोग कर रहा है। खेसारी लाल ने बिहार पुलिस को टैग करते हुए लिखा है कि मेरे परिवार के सदस्य के साथ कुछ भी गलत होता है तो जिम्मेदार आप होंगे। इस ट्वीट के वायरल होते ही मामले ने और तूल पकड़ लिया। उन्होंने बिहार पुलिस को ट्विटर पर टैग करते हुए लिखा है कि अगर मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कुछ भी गलत होता है तो जिम्मेदार आप यानी कि बिहार पुलिस होंगे। ये निर्जल वीडियो बना के मेरे परिवार को धमकी दिए जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री ने बिहार की कानून व्यवस्था को गुंडों के हाथ में गिरवी रख दिया है? खेसारी लाल यादव ने बिहार के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स मेरे परिवार को धमकी दे रहा है। कानून व्यवस्था बदमाशों के हाथों में गिरवी रख दी गई है। बता दें कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी के जाने माने स्टार हैं और उनके गाने फैंस को खूब पसंद आते हैं।